रुख हम यहाँ पे बिलासपुर का भी कर लेते हैं और खबर हम बिलासपुर से देखते हैं, जहाँ एक समाज सेवी लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ी को मातृभाषा बताने और बनाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। समाज सेवी बुजुर्ग नंद किशोर शुक्ला का मानना है कि हिंदी तो राजभाषा है लेकिन छत्तीसगढ़ी को मातृभाषा का दर्जा नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर लगातार शासन स्तर में चर्चा हो रही है, लेकिन आज तक कोई मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। प्रदेश में हिंदी को ही मातृभाषा माना जाता है और नंद किशोर शुक्ला प्रदेश में छत्तीसगढ़ी को मातृभाषा का दर्जा दिलाने के लिए 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। उनका तो मानना है कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी। तो हमारे 8-10 साल हो गए, 8 बच्चर हो गए, हमने जब कोशिश करे थे पर गले नहीं उतरे थे शासन के प्रशासन के और जनता धड़ा भी ठीक से समझत नहीं, ये भ्रम दूर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ये मातृभाषा है, हिंदी है केंद्र के। शैलेंद्र पाठक जी हो गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या लगता है इनकी पहल कामयाब होगी? निश्चित रूप से ये जिस जब से राज्य बना है 2000 से लेकर के जो राज्य बनने की स्थिति तब से ये लड़ाई जारी है और ऐसे में अब लोगों को चूंकि जो सरकार की वो मनता है वो भी बहुत साफ नहीं है और जो स्थिति है सरकार चूंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो बस्तर से लेकर के अंबिकापुर तक की जो स्थिति है, कोरिया तक की स्थिति है, जो इसमें भी कई आदिवासी और दूसरी भाषाएं भी बोली जाती है, ऐसे में चूंकि छत्तीसगढ़ी एक बड़ी तादाद में बोली जाने वाली यहाँ की भाषा है तो ऐसे में एक बड़ा अहम मुद्दा है कि सरकार के आपसे ध्यान क्यों नहीं है इस ओर। और जो इतने दिन से हालांकि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन सरकार ने कर रखा है, उसमें अध्यक्ष जी भी बना रखा है, उसकी उसमें व्याकरण और तमाम चीजों का जो वो भी एक काम उसमें जारी है कि व्याकरण बनाया जाए उसमें और जिस तरीके से पढ़ाने की मान लो शुरुआत होती है तो कैसे उसमें जो काम किया जाए बाकी में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रदेश